हेलो दोस्तों, मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी पॉइंट 0.7 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर से जितने भी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सब के सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कंप्यूटर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना ऐसे ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ पर एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन में जाएंगे ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी दिल्ली। आपके आंसर हो जाएंगे सी जम्मू कश्मीर। कौन से हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए ईपीएफ पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 9.5%, बी 8.5%, सी 7.5% और डी 4.3%। आपके आंसर हो जाएंगे बी 8.5%। कितने परसेंट? 8.5%। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के NICDP के लिए ABD ने कितने रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए $280 मिलियन, बी $260 मिलियन, सी $250 मिलियन और डी $204 मिलियन। आपके आंसर हो जाएंगे सी $250 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएंगे, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए सैमसंग, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल और डी टेस्ला। आपके आंसर हो जाएंगे बी माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 30 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, डी 2 नवंबर। आपके आंसर हो जाएंगे सी 1 नवंबर। कितने तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए अशोक भूषण, बी राजेश कुमार, सी दिलीप सिंह, डी एम वेणुगोपाल। आपके आंसर हो जाएंगे डी एम वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 7, समुद्री यान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी जितेंद्र सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे सी जितेंद्र सिंह। कौन? जितेंद्र सिंह ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 8, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की है? आपके ऑप्शन जाएंगे ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी जितेंद्र सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे बी अमित शाह। कौन हो जाएंगे? अमित शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत कब से बढ़ाने का ऐलान किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 नवंबर 2021, बी 1 दिसंबर 2021, सी 1 जनवरी 2022, डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ए 1 नवंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विश्व सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 1 नवंबर, बी 30 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर, डी 1 अक्टूबर। आपके आंसर हो जाएंगे ए 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर को। अगर वीडियो थोड़ा सा वो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना ऐसे ऐसे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।